हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि किस तरह से रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश के द्वारा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया और रजिया सुल्तान ने किन परेशानियों से किस प्रकार से सत्ता को संघर्ष के पश्चात दिल्ली की जनता के सहयोग से प्राप्त किया था। रजिया के सुल्तान बनने के बाद उसका मार्ग कोई बहुत आसान मार्ग नहीं था, लेकिन रजिया ने एक योग्य शासक की छवि प्रस्तुत की और उसने एक योग्य शासक के रूप में अपनी समस्त समस्याओं का, कठिनाइयों का दमन करने का प्रयास किया और एक शासक के रूप में अपनी छोटे से ही कार्यकाल के बावजूद भी एक अमिट छाप भारतीय इतिहास में छोड़ी है। रजिया की कठिनाइयों की जब हमने बात की थी तो सबसे प्रमुख कठिनाई थी उसके सामने चालीसा का दल और विद्रोही सामंत। तो रजिया ने शासक बनने के बाद, क्योंकि जब वह शासक बनी तो दिल्ली की जनता ने, दिल्ली के अमीरों ने, दिल्ली के सैन्य अधिकारियों ने उसका सहयोग किया, किंतु जो प्रांतीय सूबेदार थे वे प्रांतीय सूबेदार उससे नाराज थे, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि जिस रूप में रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठाया गया है उससे उनके महत्व में कमी आ गई है। क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटाने में उनका सहयोग था, किंतु रजिया को गद्दी पर बिठाने में उनका कोई सहयोग नहीं था। इसलिए बदायूं, मुल्तान, हांसी और लाहौर के सूबेदार रजिया से नाराज थे और इसलिए वे रजिया को सत्ताच्युत करना चाहते थे और ये सभी विद्रोही सूबेदार अपनी सेना को लेकर के दिल्ली की ओर रवाना हो गए और दिल्ली के नज़दीक इन सूबेदारों ने, विद्रोही सूबेदारों ने पड़ाव डाल दिया। इससे पहले कि रजिया इनके विद्रोह का दमन करने के लिए जाती, रजिया के प्रधानमंत्री जुनैदी भी विद्रोहियों से जा मिला। इन परिस्थितियों में रजिया ने बड़ी सूझबूझ और कूटनीति का सहारा लिया। उसने इन विद्रोही सामंतों में फूट डाल दी। बदायूं और मुल्तान के सूबेदारों को अपनी ओर मिलाते हुए यह सूचना प्रसारित करवा दी कि अनेक तुर्क सरदार रजिया के समर्थन में आ गए हैं और अब वे उन विद्रोही सामंतों को, सूबेदारों को मारने के लिए प्रयास करेंगे। जैसे ही यह सूचना विरोधी खेमे में पहुंची, तुर्क सरदारों में भगदड़ मच गई। शाही सेना ने उनका पीछा किया और हांसी के सूबेदार मलिक कूची, उसके भाई फखरुद्दीन को, लाहौर के सूबेदार मलिक जानी को पहले तो बंदी बनाया गया और उसके बाद मार दिया गया। रजिया का जो वजीर था, प्रधानमंत्री था, वह जुनैदी वो भी भाग करके सिरमूर की पहाड़ियों में पहुंच गया जहां उसकी भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार कूटनीति का सहारा लेते हुए, सूझबूझ का सहारा लेते हुए रजिया ने अपने विद्रोही सामंतों का दमन कर दिया और इस तरीके से उसने अपनी वीरता, साहस और कूटनीति का सिक्का सल्तनत में जमा दिया। अब रजिया के सामने समस्या थी कि वो अपने शासन को, अपने साम्राज्य को किस प्रकार से स्थायित्व प्रदान करे, क्योंकि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में जिस प्रकार से रुकनुद्दीन फिरोज़ को हटाया गया और जिस प्रकार से रजिया के सामने विद्रोह किया गया, रजिया के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि अपने राज्य को, अपनी शासन व्यवस्था को, अपने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को वो किस प्रकार से पुनर्स्थापित करे। इसलिए अब रजिया ने इन विद्रोहियों का दमन करने के बाद अपनी शासन व्यवस्था में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि चालीसा का दल व तुर्क सरदार उसके लिए सिरदर्द बने हुए थे। अतः उसने सत्ता में संतुलन स्थापित करने के लिए व सुदृढ़ संप्रभुता संपन्न राज्य की स्थापना करने के लिए तुर्कों के प्रभाव व शक्ति को कम करना प्रारंभ किया और इसके लिए उसने दरबार में ईरानी, तुरानी, अफगानी और अबीसीनियाई विश्वासपात्र सरदारों को विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना शुरू किया, जैसे नायब वजीर मुहज्जबुद्दीन को वजीर के पद पर, मलिक सैफुद्दीन तथा कुतुबुद्दीन हसन गौरी को क्रमशः प्रधान सेनापति के रूप में, इख्तियारुद्दीन एतगी को अमीर हाजिब के पद के रूप में,
मलिक अल्तुनिया को भटिंडा के सूबेदार के रूप में तथा जमालुद्दीन यादुक याकूत को, जो कि एक अबीसीनियाई हबशी था, उसे अमीर आखुर यानी कि प्रधान अंगरक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। कबीर खां तथा सालारी की भी जागीरें बढ़ाकर शासन पर अपनी पकड़ उसके द्वारा मजबूत की गई। इसके अतिरिक्त शासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए और शासन पर अपना नियंत्रण इस प्रकार से रखने के लिए कि उसे किसी की सहायता की आवश्यकता ना पड़े, रजिया ने स्वयं दरबार में आना प्रारंभ कर दिया और इसके लिए उसने पर्दे को छोड़ा और पुरुष वेश में आकर दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया। उसने स्त्रियों के वेश का भी त्याग कर दिया, कुबा और कलह पहनना शुरू कर दिया। सार्वजनिक रूप से हाथी पर सवार होकर वह राज्य में अपनी राजधानी में निकलती थी तथा जिस प्रकार से उसके पूर्ववर्ती शासकों ने शासन का कार्य किया था, उसी प्रकार से उसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार रजिया ने अपने शासन पर नियंत्रण स्थापित करने के महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके पश्चात